हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक, जहां पर हम भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्टेट या किसी एफिलिएटेड कॉलेज से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जाते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय, जो कि आरा जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश्ड है, और यहाँ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें अतिथि व्याख्याता यानी जो अतिथि टीचर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर निकल कर आया हुआ है, जिसके विज्ञापन के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, कितनी सीट है, और फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन यहां पर क्या मांगे गए हैं। इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले, जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर जो पब्लिकेशन का डेट है इस नोटिफिकेशन का, वो 13 जुलाई 2024 को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया गया था, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पर जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, उनको यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ आपको मास्टर डिग्री पास आउट होना ज़रूरी है। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, या दिव्यांग अभ्यर्थियों में से एक हैं, तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 50% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना रहेगा। 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहीं आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अतिथि व्याख्याता और अतिथि शिक्षण सहायक में अधिकतम 65 वर्ष तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अगर आप भारत के किसी और स्टेट से भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो यहाँ पर प्रथम जो प्राथमिकता रहेगी वो आपको दी जाएगी। यहाँ जिन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, अगर इस पर बात करें तो आप भूगोल सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सहायक प्राध्यापक के लिए एक पोस्ट है, समाजशास्त्र के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सहायक प्राध्यापक के लिए एक पोस्ट है, और रसायन शास्त्र में यहाँ पर सहायक प्राध्यापक के लिए एक पोस्ट और प्राध्यापक के लिए एक पोस्ट, टोटल 4 सीटें हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं वो गेस्ट फैकल्टीज़ में यानी अतिथि पोस्ट पर निकल कर आया हुआ है, और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले आपको आवेदन के साथ मूल निवास जो पत्र होता है वो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। हाई स्कूल और इंटर के साथ साथ स्नातक और परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो डिग्री आपके पास है, साथ ही साथ आप नेट क्वालिफाई हों, सेट क्वालिफाई हों, या आपने एमफिल क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपके पास पीएचडी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर इनमें से जो दिए गए क्वालिफ़िकेशन आपके पास हैं तो आपको 24 जुलाई 2024 तक इनका जो कार्यालय है उनमें आपको डाक के माध्यम से या स्वयं इस कॉलेज में उपस्थित होकर आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। और जो लोग भी अपना आवेदन जमा करेंगे उन्हीं में से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहां पर इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू में, और जो लोग ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन यहाँ पर भेज रहे हैं उनका जो आवेदन पत्र है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त जो आवेदन रहेंगे उनका जो मेरिट सूची है वो प्रकाशित कर दी जाएगी, और आवेदन प्राप्त जो उम्मीदवार हैं उनकी अंतिम सूची जो है 26 जुलाई 2024 तक महाविद्यालय के सूचना पटल या उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। जो लोग भी यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे वहाँ यहाँ उनके लिए जो सैलरी रखी गई है 40 से 45 मिनट की अगर क्लास यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ आपको 400 रुपये प्रति क्लास यहाँ पर सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी अगर आपने 4 क्लास लिए तो 1600 रुपये यहाँ पर डे के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी अतिथि व्याख्याता के लिए। वहीं अतिथि शिक्षण सहायक के लिए यहाँ पर 300 रुपये पर आवर्स और 1200 रुपये पर डे के हिसाब से सैलरी रहेगी, 30,000 रुपये प्रति माह की सैलरी है। वहीं अतिथि व्याख्याता में 41,600 रुपये की यहाँ पर आपकी सैलरी बनेगी। वहीं अगर आपने 60 मिनट की क्लास को ज्वाइन किया तो यहाँ पर 500 रुपये पर हावर्स की सैलरी रहेगी अतिथि व्याख्याता के लिए। वहीं शिक्षण
अतिथि शिक्षण सहायक के लिए 350 रुपये की सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। टोटल यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है और वहीं अतिथि शिक्षण सहायक के लिए 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इनके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन जो है महाविद्यालय के ऑफिस में जमा कर लें या फिर इन्हें डॉक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।